आप देख रहे हैं बी न्यूज। खबर गांव की हो, खबर शहर की हो, खबर पूरी दुनिया की हो, हम आपको दिखाते हैं हकीकत। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। आपको बता दें, जहां गोरखपुर में आज मतदान हो रहा है, वहीं देवरिया जनपद में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी जहां तेज, वहीं आज जनपद देवरिया के कलेक्ट्रेट परिसर में जिला पंचायत पद के प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल किया। ऐसे में एक प्रत्याशी रामपुर कारखाना वार्ड नंबर 12 से किरण देवी पत्नी विजय कुमार भाजपा समर्थित प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए मीडिया से रूबरू हुए। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। से आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या आपके विकास का मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट मांगेंगे? रामपुर कारखाना दक्षिणी वार्ड नंबर 12 संख्या से लड़ रहा हूँ। कितने सेट में पर्चा दाखिल किया आपने? कितने सेट में? एक सेट में पर्चा। क्या नाम पड़ेगा? किरण देवी पत्नी विजय कुमार। जी, आप जनता के सामने कौन से मुद्दों को लेकर वोट मांगने जाएंगे? जनता के विकास के लिए हम वोट मांगने जाएंगे। कुछ क्या मुद्दे? कुछ मुख्य मुद्दे? मुख्य मुद्दे हैं, जो लोग गरीब हैं उनके लिए हमको लड़ना है। सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, हाँ, क्या वो ग्रामीणों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे आप? एकदम करेंगे। उसी के लिए हम लोग क्षेत्र में हम लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जनता के लिए मैं कुछ कर सकूँ। केंद्र सरकार से योजनाएं आती हैं, केंद्र सरकार से जो योजना आ रही है, मैं उसको धरातल पर उतर के सबको मैं जागरूक करूँ। अभी सरगर्मी तेज है और ग्रामीणों को और वोटरों को लुभाने के लिए कई मांस वजरा का भी उपयोग लोग कर रहे हैं प्रत्याशियों द्वारा, तो क्या ऐसा कुछ कार्य आप भी करेंगे? नहीं सर, ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे। हाँ, मैं इसके पक्ष में रहता ही नहीं हूँ शुरू से। इसका विरोध कर रहे हैं? हाँ हाँ, इसका तो विरोध। जनता का क्या ओपिनियन है आपके प्रति? जनता का ओपिनियन अच्छा है, सहयोग कर रही है जनता, जनता हमको लाइक भी कर रही है, वैसे हम काम करते हैं और चुनाव जीतेंगे भी हम। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।